बड़ी ब्राह्मणा से अगवा अनिरुद्ध शर्मा को पुलिस ने किया बरामद। सोमवार को स्कूल से लौटते वक्त हुआ था किडनैप, किडनैपरों की तलाश जारी। श्रीनगर उधमपुर के बीच हाईवे पर बुधवार की पाबंदी हुई समाप्त। 13 मई से राजमार्ग पर चल सकेंगे सिविल वाहन। जेकेएसआरटीसी सहित अन्य वाहनों को की होगी बहाली। फैसले से यात्रियों को मिलेगी राहत। राजमार्ग पर टैक्स लेने का सिलसिला शुरू। चुरसू और संगम में स्थापित किए गए टोल प्लाजा, 20 किलोमीटर के भीतर रहने वाले लोगों को नहीं देना होगा यात्रा शुल्क। स्थानीय लोगों ने सरकार के फैसले का किया विरोध। रेल हेड कॉम्प्लेक्स के बाहर बीती रात एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में की गई हत्या। मृतिका के पति पर पत्नी को मारने का आरोप। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। रमजान के मुकद्दस महीने में अल्लाह की इबादत और रोजेदारी में जुटे लोग, गरीब गुरबा की मदद। इबादगाहों में उमड़ा नमाजियों का हुजूम। अमन और शांति के लिए की जा रही प्रार्थना। नमस्कार, जम्मू कश्मीर के इस हिंदी बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल भार्गव आपके साथ। अब रुख करते हैं कुछ बड़ी खबरों की तरफ। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल प्रशासन ने मंगलवार को जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर श्रीनगर और उधमपुर के बीच 13 मई से बुधवार को पाबंदियां हटाने का फैसला किया है। इसके बाद अब सिविल वाहनों की आवाजाही बुधवार को भी शुरू हो जाएगी। इस रूट पर अब सिर्फ रविवार को ही सुरक्षा बलों की कार्रवाई के दौरान सिविल वाहनों की आवाजाही पर पाबंदियां पहले की तरह रहेंगी। हाईवे पर सुरक्षा की समीक्षा के बाद ही पाबंदियों को सरकार के अनुसार श्रीनगर उधमपुर हाईवे पर पाबंदियां हटाने के साथ साथ जेकेएसआरटीसी सहित अन्य वाहनों को भी बहाल किया जाएगा। आपको बता दें कि पुलवामा में 14 फरवरी को हुए हमले के बाद राज्य सरकार ने श्रीनगर उधमपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुधवार और रविवार को सुबह 4 बजे से शाम 5 बजे तक सिविल वाहनों की आवाजाही पर संसदीय चुनावों का हवाला देते हुए 31 मई तक के लिए पाबंदियां लगा दी थी। राज्यपाल प्रशासन ने जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सभी छोटे और बड़े वाहनों से टोल टैक्स वसूल करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। सरकार ने फैसला किया है कि दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के चुरसू और संगम में श्रीनगर जम्मू राजमार्ग पर नवस्थापित टोल प्लाजा के दोनों ओर 20 किलोमीटर के भीतर रहने वाले लोगों को यात्रा शुल्क नहीं देना होगा और इन लोगों को प्रशासन की तरफ से ट्रेवल पास भी दिया जाएगा। संभागीय आयुक्त कश्मीर बेसर खान ने कहा कि स्थानीय लोगों को मुफ्त यात्रा के लिए पास जारी किए जाएंगे। उनके अनुसार टोल प्लाजा को आज से चालू कर दिया गया और व्यवसायिक वाहनों को इसके माध्यम से पार करते समय शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। इधर स्थानीय लोगों ने सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए टैक्स ना देने की बात कही है। लोगों के अनुसार ये फैसला उनके हित में नहीं है और प्रतिदिन शुल्क का भुगतान करना उनके लिए कठिन है। इधर घाटी को देश के अन्य हिस्सों के साथ जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड पर आज से सामान से लदी गाड़ियों भी दौड़ती हुई नजर आएंगी। प्रशासन ने फ्रूट ग्रोवर्स के साथ बैठक करने के बाद मुगल रोड खोलने का फैसला किया है। आपको बता दें कि जम्मू श्रीनगर राजमार्ग बार बार बंद होने के कारण फ्रूट ग्रोवर्स को करोड़ों रुपये का नुकसान होता था, जिसके बाद मुगल रोड को खोलने की मांग बढ़ गई थी। फ्रूट ग्रोवर्स से बैठक के बाद प्रशासन ने सामान से लदी गाड़ियों को हर सप्ताह 4 दिन खोलने का फैसला किया है, जिससे राज्य के कारोबारियों को काफी राहत मिलेगी। इस पर बातचीत के लिए राजौरी से हमारे संवाददाता जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जमशेद, आप इस समय राजौरी में हैं, मुगल रोड के नजदीक हैं। क्या कुछ आप देख सकते हैं कि किस तरह जो फ्रूट से लदे ट्रक हैं मुगल रोड पर दौड़ रहे हैं और क्या कुछ फायदा होगा जो जम्मू के फ्रूट ग्रोवर्स हैं और जो व्यापारी हैं खासकर जम्मू में और कश्मीर में? प्रशासन के इस फैसले के बाद व्यापारियों में और नौजवान जो बेरोजगार नौजवान में उनमें काफी खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि प्रशासन ने जिस तरह 4 रोज बड़ी गाड़ियों को चलने की इजाजत दी है ट्रक में, जिसमें आएंगे और 1 दिन वन वे ट्रैफिक है, हालांकि इसमें नौजवानों में काफी खुशी देखने को मिल रही है और व्यापारियों में काफी खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि राजौरी और पुंछ में मौसम फल फ्रूट सब्जियों का दाम जो इनसे बहुत सस्ते भी पड़ते हैं जब मुगल शाहरा बहाल हो जाती है, और इसी तरह नौजवान ही कई बेरोजगार नौजवान भी काम में मसरूफ हो जाते हैं, उनको रोजगार मिलता है, इस तरह नौजवानों में आज खुशी भी देखने को मिल रही है, क्योंकि नौजवानों का अब ये भी कहना है कि उसको दोनों तरफ से खोल दिया जाए ताकि
यहाँ से जल्दी गाड़ियां वापस हो सके और वापस वहां से जल्दी सामान राजौरी और पुंछ तक पहुंच सके। और इससे फायदे की जल्दी सबसे बड़ी बात ये होती है कि कई बेरोजगार नौजवान होते हैं जिनका रोजगार इसी शाहरा से जुड़ा हुआ है। जब ये शाहरा बंद हो जाती है, ये नौजवान पढ़े लिखे नौजवान है, ये जम्मू या पंजाब की तरफ रुख करते हैं काम के लिए, और आज जब ये रोड बहाल हो जाती है और इन लोगों को यही रोजगार मिलता है क्योंकि ये कश्मीर से फल फ्रूट सब्जियां लाकर यहाँ काम इसका काम करते हैं। और खास इन दिनों इन लोगों का ज्यादा काम इसलिए पाया जाता है क्योंकि रमजान का महीना होता है, इस दौरान सब्जियों और फल को की काफी मार्केट रहती है, जिसको चलते हुए ये लोग बहुत ज्यादा खुश भी देखने को मिल रहे हैं और सुनते देख भी रहे थे कि कई नौजवान अपने अपने जगहें बनाने के लिए जिन इलाकों में वो काम करते हैं वहां उनकी तैयारियां कर रहे थे क्योंकि आज वादी की तरफ से राजौरी और पुंछ की तरफ गाड़ियां आ रही हैं। जी जमशेद, आपसे जानना चाहेंगे कि गौरतलब है कि अगले 6 महीनों में घाटी में यात्रा शुरू हो जाएगी और जो टूरिस्ट हैं घाटी का रुख करना शुरू कर जाएंगे, तो सरकार का ये फैसला है कि 4 दिन अब से जो गुड्स लेडन ट्रक हैं, फ्रूट से भरे ट्रक हैं, ये मुगल रोड पर चलेंगे। तो क्या इन ट्रक्स के चलने से और भी जो अन्य गुड कैरियर्स के चलने से उन 4 दिन मुगल रोड पर भी जाम देखने को मिलेगा? क्योंकि हमने देखा था कि जब जो मुख्य राजमार्ग है, जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग है, जब वहां पर ट्रक्स चलते थे, ट्रक्स की कॉन्वाई चलती थी, तो जो आम शहरी यातायात था उसको काफी प्रभाव पड़ता था। तो क्या इस फैसले से मुगल रोड पर भी कुछ वैसा ही दृश्य देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि मुगल रोड पर जाम देखने को मिला, हालांकि वैसा जाम नजर नहीं आएगा क्योंकि वन में रखी गई है अभी एक तरफा गाड़ियों को आने जाने की इजाजत है, इससे जाम वाकया कम होगा। मगर जिस तरह मुगल शाहरा के निशाना के मुकाम पर एक फौजी कैंप है जहां पे चेकिंग होती है, इस इलाके में बहुत ज्यादा जाम नजर आता है क्योंकि यहां चेकिंग के दौरान बहुत ज्यादा गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं। कई लोगों ने शिकायत भी की है कि इस इलाके में 6-6 घंटे तक लोगों को खड़ा रहना पड़ता है गाड़ियों की चेकिंग के लिए, क्योंकि यहां की चेकिंग के हवाले से लोग कहते हैं कि ज्यादा चेकिंग की जाती है इस इलाके में क्योंकि हालात ही ऐसे हैं जिसको देखते हुए फोर्सेज भी इलाके में काफी चुकौनी रहती है। और जिस तरह जाम की अगर हम बात करें तो अभी वन वे है, वन वे में जामिंग इतनी नजर नहीं आएगी क्योंकि एक बार गाड़ियों को जाने की इजाजत होगी, इस जाम में उतना नजर नहीं आएगा। मगर यह है कि लोगों को काफी राहत मिली है इस आज प्रशासन के इस फैसले के बाद, क्योंकि लोगों में काफी खुशी भी देखने को मिली है कि प्रशासन ने आकर ट्रकों को चलने की इजाजत दी। और दूसरी तरफ अगर हम यात्रा की बात करें तो हर बार यात्री भी कई यात्री ऐसे होते हैं जिनको हम इस रास्ते से जाते हुए देखते हैं क्योंकि कई यात्री रजिस्ट्रेशन के बगैर अगर निकलते हैं तो इस तरफ आते हैं क्योंकि ये बहुत एक खूबसूरत इलाका पड़ता है, रास्ते में सियाह भी इस इलाके में काफी देखने को मिलते हैं। और इस बार भी ऐसा ही देखने को मिलेगा जब यात्रा स्टार्ट होगी और जम्मू में आम जो गाड़ियां होती हैं वो सभी की सभी इस रास्ते से चलना जाना पसंद करती हैं क्योंकि यात्रा दौरान भारी जाम देखने को मिलता है शाहरा पर और लोग इस तरफ से आना ज्यादा पसंद करते हैं। उस वक्त जम्मू की जो गाड़ियां होती हैं वो मुगल रोड की तरफ से वादी की तरफ रुख करती हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद हमसे जानकारी साझा करने के लिए। तो सरकार का ये ऐतिहासिक फैसला है कि जो फ्रूट से भरे ट्रक थे अब मुख्य राजमार्ग की बजाय 4 दिन मुगल रोड से जम्मू से घाटी की तरफ जाएंगे और इससे जो राजमार्ग बंद हो जाता था पसियां पड़ने से, खराब मौसम की वजह से, अब उसमें दिक्कत नहीं आएगी, उसमें बाधा नहीं आएगी और 4 दिन जो पेरिशेबल आइटम्स होती हैं, पेरिशेबल कॉमोडिटीज होती हैं, चाहे उसमें फ्रूट्स आए और सब्जियां आए और अन्य चीजें आए, वो अब मुगल रोड के जरिए घाटी में जाएंगी और घाटी से जम्मू की तरफ व अन्य भारत की तरफ रुख करेंगी। वहीं जिला रामबन में दगन टॉप और रामाकुंड अपनी प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। रामबन के इस दूर दराज के इलाकों में गर्मियों के मौसम में प्रतिदिन सैकड़ों पर्यटक अपने परिवारों के साथ आते हैं, लेकिन दगन टॉप और रामाकुंड जैसे खूबसूरत इलाकों में पर्यटकों के लिए बुनियादी सुविधाओं का अभाव होने से लोगों में नाराजगी है। स्थानीय लोगों के अनुसार अगर पर्यटन विभाग इस पर्यटन स्थल की ओर ध्यान दे तो इलाके का न केवल विकास होगा बल्कि स्थानीय लोगों को भी रोजगार का अवसर मिलेगा। रामबन जिला के सबसे खूबसूरत इलाके गूल जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत इलाका है जिसके बारे में मैंने वीडियोस में भी देखा था और सुनने में भी आया था और वाकई में ये इलाका बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन जो महकमा टूरिज्म है उनकी तरफ से बहुत ज्यादा जो है इसको इग्नोर किया गया है, नेग्लेक्ट किया गया है, जिसकी वजह से ये एरिया जो है ये रह गया है, पिछड़ा हुआ एरिया जो है ये मैं समझता हूँ रह गया। अगर टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे अगर ध्यान दिया हुआ होता, इस तरफ कोई मतलब स्ट्रेस दिया हुआ होता कि यहाँ पे जो है टूरिज्म वालों को, टूरिज्म टूरिस्ट को जो है वो मतलब अट्रैक्ट किया होता, यहाँ हट्स बनाई हुई होती, यहाँ कोई जो है रोड का इस तरह से
मतलब बनाया होता तो मुझे लगता है ये एरिया जो है काफी फायदेमंद साबित हो सकता था यहाँ के लोगों के लिए, पूरे जिला रामबन के लोग। जम्मू के बाड़ी ब्राह्मणा से सोमवार 6 मई को अगवा किए गए पांचवी कक्षा के छात्र अनिरुद्ध शर्मा को पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने हालांकि किडनैपरों की लोकेशन पंजाब से मिलने का दावा किया था, लेकिन अनिरुद्ध को आज तड़के जिला सांबा के अधीन आने वाले बीरपुर कोलड़ इलाके से बरामद किया गया। पुलिस इस मामले में हालांकि अभी तक कोई बयान जारी नहीं कर पाई है, लेकिन सूत्रों की माने तो आज सुबह 4:30 बजे के करीब अनिरुद्ध को कोलड़ पंचायत के सरपंच ने सड़क पर रोती हुई हालत में पाया और उसके बाद उसे बड़ी ब्राह्मणा पुलिस के सुपुर्द कर दिया। अनिरुद्ध को क्यों किडनैप किया गया था इस पूरे मामले में पर अभी तक संशय बना हुआ है और किडनैपर भी फिलहाल पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाए। गौरतलब है कि अनिरुद्ध को सोमवार 6 मई को बड़ी ब्राह्मणा में तब किडनैप कर लिया गया था जब वह स्कूल से छुट्टी होने पर घर वापस लौट रहा था। इस पर अधिक जानकारी के लिए जम्मू से हमारे संवाददाता प्रियंका गुप्ता हमारे साथ जुड़ी हैं। प्रियंका, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ये पूरा मामला है और जिस तरह सुबह से खबरें आ रही थी कि इनके पेरेंट्स, इनके परिवार परिजनों ने एक रैंसम की मनी दी है, लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो सभी उन खबरों को झूठा साबित कर रही हैं। क्या असल मामला है और कैसे ये जो अनिरुद्ध शर्मा को उनके परिजनों तक पहुंचाया गया? बता दूं, सबसे पहले दोपहर को जब रहा था और मुख्य सड़क पर घोड़ा और वहां से जो घर है वो केवल 50 गज की दूरी पे था और उसी 50 गज की दूरी के बीच में आरोपियों ने उसे अगवा कर लिया और उसके बाद उसके घर वालों को कॉल आई फिरौती के लिए, 50 लाख फिरौती की मांग हुई गई और इसके बाद जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो ऐसे शक के आधार पर उन्हें पता चला कि 3 कल्प्रिट्स हैं जिनमें सभी उनके जान पहचान के हैं। और ताजा अपडेट ये है कि आज अनिरुद्ध सुबह लगभग 4 या 5 बजे का वक्त था बड़ी ब्राह्मणा का एक सरपंच को मिला, वहां का जो सरपंच था रोता हुआ बुलकता हुआ बच्चा उसे मिला और सरपंच ने उसे पुलिस में छोड़ दिया। अब फिलहाल ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है कि घर वालों ने फिरौती की जो रकम मांगी गई थी वो दी है, उसके बाद आरोपियों ने उसे छोड़ा है या डर से छोड़ा हुआ है या किसी भी वजह से, वो तो बाद में ही पता चलेगा। फिलहाल जो अनिरुद्ध के घर वाले हैं और साथ ही साथ रिश्तेदार हैं वो बड़ी ब्राह्मणा पुलिस स्टेशन में मौजूद है और अनिरुद्ध को मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा गया है। और फिलहाल आपको बता दें कि बड़ी ब्राह्मणा का दस्ताल गांव का अनिरुद्ध जो पांचवी कक्षा में पढ़ता था उसे परसों दोपहर को अगवा किया गया। उसके बाद घर में दुख का माहौल था, उसकी माँ बहन पिता का रो रो कर बुरा हाल था और आज फाइनली अनिरुद्ध सुबह 5 बजे वापस घर आ चुका है। जी प्रियंका, आपसे जानना चाहेंगे कि पुलिस को अभी तक कुछ रिपोर्ट्स मिल रही थी, कुछ अफवाहें थी कि पुलिस को शायद से कुछ लीड्स मिली हैं किडनैपर्स के बारे में, कितनी सच्चाई है इस बात में और क्या पुलिस को इस मामले में कुछ लीड मिली है, किडनैपर्स की कुछ इन्फॉर्मेशन उनको मिली है इस मामले में? राहुल, आपको बता दूं कि पुलिस ने फिलहाल कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं की है, ना ही मीडिया को अनुमति दी गई है पुलिस स्टेशन जाने की, उनसे बातचीत करने के लिए, उनके घर वालों से बातचीत करने के लिए। हाँ, सूत्रों के मुताबिक ये खबर सामने आ रही है कि जो आरोपी हैं, जो कल्पित हैं, जिन पर पुलिस को शक है, एक किरायेदार है, दूसरा उसकी उन्हीं का कुछ रिश्तेदार है और तीसरे का अभी फिलहाल पता लगाया जा रहा है। कॉल जब उनकी ट्रेस की गई वो लखनपुर में थे और लास्ट जो लाल गाड़ी में अनिरुद्ध को वो लेके गए थे वो भी लास्ट लोकेशन उसकी लखनपुर देखी गई थी। फिलहाल पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है पर हाँ, ये फैमिली मैटर पारिवारिक आपकी रंजिश का मामला सामने आ रहा है और ये बात सामने आ रही है कि जितने भी आरोपी हैं, जितने भी लोगों की इस केस में इन्वॉल्वमेंट है वो सभी जान पहचान के। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका हमसे जानकारी साझा करने के लिए। तो ये हमारी संवाददाता जम्मू से प्रियंका हमारे साथ जानकारी साझा कर रही हैं कि शक ये है कि उनके कुछ किरायेदार थे, कुछ आपसी लोग थे, कुछ करीबी लोग थे जो शायद इस अपहरण में शामिल हो सकते हैं। पुलिस ने हालांकि कुछ ऑफिशियल कन्फर्मेशन, कुछ पुष्टि नहीं की है, लेकिन बड़ी खबर और अच्छी खबर यह है कि अनिरुद्ध शर्मा पांचवीं कक्षा का छात्र जिसे अगवा कर लिया गया था, आज एक दो दिन के बाद अपने माता पिता के पास, अपने परिजनों के पास सुरक्षा के साथ पहुंच गया और जिस तरह आप देख सकते हैं कि पुलिस ने सुबह उनको पुलिस स्टेशन लाया, जब एक सरपंच ने एक बच्चे को रोती हुई अवस्था में पाया तो नजदीकी पुलिस स्टेशन में संपर्क किया तो पता चला कि वही अनिरुद्ध शर्मा है जिसका अपहरण हुआ था और जिसके लिए एक फिरौती मांगी गई थी और दो दिन के बाद अनिरुद्ध शर्मा को अपने परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं जम्मू के ही रेल हेड कॉम्प्लेक्स के बाहर बीती रात एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी गई। मृतका के पति पर पत्नी को ही मारने का आरोप लगाया है।
बताया यह जा रहा है कि रेल हेड कॉम्प्लेक्स स्थित गोल्ड जिम के बाहर पति पत्नी दोनों के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद पति ने पत्नी के पेट में किट से कई बार हमला किया और फरार हो गया। आरोपी पति की पहचान तोताराम निवासी वाल्मीकि चौक जम्मू के रूप में हुई है। मृतका शीतल को 2 साल पहले तोताराम से शादी हुई थी। बताया जा रहा है कि दोनों में मनमुटाव चल रहा था। आरोपी पति फरार बताया जा रहा है, जिसको पकड़ने के लिए पुलिस कई जगहों पर दबिश कर रही है। वहीं रमजान के मुकद्दस महीने में मुस्लिम समाज के लोग अल्लाह की इबादत में लीन है। बात करें अगर जम्मू की, तो जहां भी रमजान के दौरान तमाम मस्जिदों में इबादत करने वालों की भीड़ उमड़ी रहती है और लोग इजाफी नमाज अता कर अपने अपने परिवारों व रियासत की अमन और खुशहाली की दुआएं मांगते हैं। आलिमों का कहना है कि रमजान में शरीर के हर अंग का रोजा होता है, ना बुरी बात की जाती है, ना सुनी जाती है और ना ही देखी जाती है। इस पाक महीने में अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गरीब गुरबा की मदद करना भी बहुत जरूरी माना जाता है। जैसा कि हम पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों को देखते हैं, दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, इस मुबारक महीने के अंदर भी 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। 5 वक्त की नमाज पढ़ने के साथ साथ रात के लिए एक अलग से एक नमाज होती है, जिसको इस्लाम में तरावीह के नाम से याद किया जाता है। इस मुबारक महीने के अंदर खाना पीना ये रात को होता है, पूरे दिन में किसी भी मुसलमान के लिए इजाज़त नहीं होती है वो खाए और पिए, बल्कि पूरी दिन अल्लाह की इबादत में लगाए, रात को इबादत में लगाए। ज़्यादा से ज़्यादा इस मुबारक महीने को इबादत के अंदर ही लगाना चाहिए। इसी तरीके से अपने माल को गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों, बेवाओं और इंसानियत की हमदर्दी में लगाना चाहिए। इसकी कोशिश भी की जाती है, इसके लिए दुआएं भी की जाती है। हमारी दुआ रहती है ख़ास तौर पर इस मुबारक महीने के अंदर, अल्लाह पाक पूरी दुनिया में बसने वाले इंसानों को अमन, चैन, सुकून और शांति नसीब। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सब्र और गमखारी का महीना है। सब्र इंसान को अपनी ज़ात से करना है कि इंसान को कोई परेशानी आए, इंसान को कोई दिक्कत आ जाए, दिन में रोज़ा रख के कोई गाली दे दे, कोई परेशान करे, तो ये अपनी ज़ात के लिए है कि इंसान सब्र करे और किसी से उलझे ना। इसी तरह दूसरा गमखारी का मतलब यह है कि इंसान दूसरों की मदद करे, इंसान दूसरों की फलाह चाहे, दूसरों को राहत पहुंचाने की कोशिश करे। ये ना हो कि इंसान खाली अपने लिए लगा रहे। अल्लाह के नबी सल्लम ने गमखारी का महीना इसलिए बताया कि अगर इंसान जिस तरह खुद राहत चाहता है, इस तरह दूसरों की भी राहत सोचे। इसके अलावा अगर कोई परेशान है उसकी परेशानी को दूर करे, कोई नंगा है उसको कपड़े पहनाए, कोई भूखा है उसको खाना खिलाए। इंसान जब अपने मालिक को याद करेगा, अपने मालिक को नहीं भूलेगा, तो फिर वो किसी पे जुल्म नहीं करेगा, किसी को नहीं सताएगा। लिहाजा हमें चाहिए कि एक दूसरे को, यानी एक दूसरे के ऊपर जुल्म करने से, एक दूसरे को सताने से उनके ऊपर परहेज करें। यही हमारा पैगाम है कि रमजानुल मुबारक जो है, और पूरी जिंदगी रमजानुल मुबारक से सबक सीख के पूरी जिंदगी इसी तरह गुजारने की कोशिश करें। और रमजान के महीने में अक्सर लोगों का आंख की पर्देदारी होती है, बुरा देखना नहीं, बुरा बोलना नहीं, बुरा कहना नहीं, किसी को डांटना नहीं। हर बुराई से बचने का महीना है ये, और इबादत का, अपने अल्लाह को राजी करने का महीना है। रमजान के इस पाक महीने में गुलिस्तान न्यूज भी अपने सभी दर्शकों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता है। वहीं हिंदू सेना ने रमजान के महीने में सीज फायर की मांग करने वाली पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को आड़े हाथों लिया है। इससे संबंध में जम्मू में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हिंदू सेना के राज्य प्रधान विनय गुप्ता ने कहा कि पिछले साल भी रमजान के महीने में एक तरफा सीज फायर किया गया था और तब भी आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर कई हमले किए थे। उन्होंने कहा कि सीज फायर का लाभ उठाते हुए आतंकी सुरक्षा बलों पर हमले करने की नई योजनाएं बनाते हैं, लिहाजा सरकार को आतंकियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई रोकने का आदेश जारी नहीं करना चाहिए। जैसे पिछले काफी दिनों से वो सरकार को ये डिमांड कर रही है कि जो रमजान के महीने में सीज फायर होना चाहिए, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पिछली बार भी जो है महबूबा जी ने गवर्नमेंट से बात करके सीज फायर करवाया था, लेकिन उसी रमजान के दौरान में मिलिटेंट्स ने जो है सेना के ऊपर हमला किया था, जिसमें कि हमारे काफी जो सेना बल थे काफी शहीद हो गए थे। सीज फायर हो जाए ताकि आगे की प्लानिंग करें
कि आगे जो है हमने सेना पे कैसे अटैक करते हैं, इसलिए हिंदू सेना जो है इसको काफी कंडेम करती है। नहर का काम पूरा ना होने पर भद्रवाह के बेरारू इलाके के लोगों में सिंचाई विभाग के प्रति भारी रोष है। लोगों के मुताबिक सिंचाई विभाग ने वर्ष 2005 में इस नहर का निर्माण कार्य शुरू किया था, लेकिन यह काम आज तक पूरा नहीं हो पाया, जिससे इलाके की करीब 1500 कनाल जमीन में लगने वाले फसल बुरी तरह से प्रभावित होती है। लोगों ने सरकार से इस नहर का काम जल्द से जल्द शुरू कराने की मांग। हमारी जमींदार कूल है, बहुत पुरानी है, इसमें बड़ी जमीन तकरीबन 5000 कनाल के करीब की ये जो एरीगेट होती है, लेकिन इसमें कुछ क्लोड ब्लस्ट आए, कच्ची रही, तो इसमें कोई तासर वगैरह भावदार नहीं हुआ, थोड़ी सी एक दो किलोमीटर बनी है, बाकी सब ऐसे ही पड़ी हुई है। तो हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से, कि कम से कम इसके लिए कोई तासर भावदार किया जाए ताकि ये नहर जो है पक्की जाए, क्योंकि ये नहर हमारा रोजगार, हमारा बैकबोन है, इसी से हमारे बच्चे पलते, इसी से हमारी पढ़ाई होती, इसी से हमारा सब कुछ होता है। लेकिन नहर का जो पानी आप देख रहे हैं बहुत कम है, ये पूरा नहीं होता, इस पर झगड़े होते हैं, फसाद होते हैं, लिहाजा नहर की डेवलपमेंट होनी चाहिए अच्छे तरीके से, इसके लिए पैसा वाजदार हो ताकि नहर का स्टैंडर्ड पर पहुँच के जमींदारों को राहत मिले। बिजली की समस्या को लेकर जिला कुपवाड़ा के लालपुर दीवार सहित अन्य इलाकों के में नारेबाजी की गई। प्रदर्शन कर रहे लोगों के मुताबिक बिजली की आंख मिचोली से वह परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही और ऐसे में उन्हें मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ा है। लोगों का आरोप था कि 24 घंटे में केवल 5 घंटे ही उन्हें बिजली उपलब्ध होती है, जिससे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। खासकर स्टूडेंट्स की पढ़ाई की बात करें तो बिजली की वजह से उनको बहुत मुतासिर होना पड़ रहा है, जिसका असर उनकी पढ़ाई में देखने को मिलता है। यहाँ पे बिजली की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हमें पढ़ाई में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। आज माह रमजान का महीना, यहाँ पे मतलब बहुत सबसे जरूरी चीज होती है पावर रात को नमाज करने के लिए, बैठने के लिए, लेकिन यहाँ पे पावर अच्छे से नहीं है। यहाँ पे बिजली की तारें वो भी पूरी इनकम्प्लीट है, यहाँ पे सिंगल लाइन लगाई है, जहाँ पे हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है बिजली की। हम रिक्वेस्ट करते हैं डीसी साहब से कि यहाँ पे खुद आके देखें कि यहाँ पे हमारी कितनी सारी प्रॉब्लम हो रही है, कितनी ज्यादा मुश्किल का सामना हमें करें, पढ़ाई में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। हालांकि पावर अगर 6 घंटे तो हमें 3 घंटे भी नहीं आती है, बहुत ज्यादा मुश्किल। हम रिक्वेस्ट करें डीसी साहब से कि आके खुद ही देखें कि हमारे देवर की हालात यहाँ पे कैसी है, कितनी खराब हो चुकी है। हम तुमसे ये रिक्वेस्ट करते हैं आइए और यहाँ पे देवर का हालात देखें। हमें पावर की जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, पढ़ने में रात को नमाज पढ़ने बिल्कुल सिंगल पावर होती है, हालांकि बिल्कुल इंसान दिखाई नहीं देता पावर में, जितना भी हो बहुत सिंगल। हम उसे रिक्वेस्ट करते हैं आइए। बिजली आज गए वो हो रही तकरीबन आज पास पन्न पो लग गमेंट पोल तो ना कोई पन्न पो लग खुद नजदीक गुह पान आंगन में कर मुलाजा तो तथ पे पावर चलान सू आँख मचोली कुन सात कुन सात दिवान कह अत कर महरबानी कर तहकीकत कर मसैज डी सी सबस तो मनत महरबानी कर बिजली पर नाशाम आज दॉब्लम गॉब्लम ग। आग की घटनाओं में राख हुई गेहूं की खड़ी फसलों के मुआवजे को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने आज आरिसपुरा के गांव सलहेड़ में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे बहुजन समाज पार्टी के जिला प्रधान तिलक राज ने आरोप लगाया कि पिछले कई वर्षों से किसानों की गेहूं की खड़ी फसल राख हो रही है, लेकिन ना तो सरकार अभी तक आग की इन घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाती है और ना ही किसानों को मुआवजा दिया जाता है। उन्होंने सरकार से पीड़ित किसानों को 1 साल तक मुफ्त राशन और 3,000 रुपये प्रति कनाल के हिसाब से बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा देने की मांग की है। आरएसपुरा बिश्ना अखनूर सारे इलाके में किसानों की शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने से गंदम की फसल राख हो गई है, किसान दुखी है और हम सरकार से गवर्नर साहब से ये प्रार्थना करते हैं कि किसानों को मुआवजा दिया जाए, जो आज तक कभी भी किसानों को जम्मू सुबान के किसानों को नहीं मिलता। इनके साथ अनदेखी की जाती है, धोखा किया जाता है, विश्वासघात किया जाता है, क्योंकि फसल चलने से किसान का जो तबाही हुई है वो उसकी भरपाई की जाए और कम से कम 3,000 रुपया पर कनाल के हिसाब से इनको मुआवजा दिया जाए। पीएचई विभाग द्वारा लोगों को पानी की बूंद बूंद को बचाने के लिए जागरूक करने पर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन जम्मू शहर में पाइप से बेकार हो रहे पानी पर विभागीय अधिकारियों का ध्यान ही नहीं जाता। जम्मू शहर के कुछ इलाकों में लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं हो रहा, जबकि शहर में कई जगहों पर टूटी पाइप से पानी बेकार बह रहा है। इसके बाद पीएचई विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना तो लाजमी है।
गर्मी का मौसम शुरू हो गया है और इसके साथ ही जम्मू शहर में पानी की खपत भी बढ़ गई है। लोगों ने पीएचई विभाग को इस ओर ध्यान देने को कहा है ताकि पानी की बूंद बूंद को बचाया जा सके। साथ में सप्लाई रोज होनी चाहिए और साथ में पानी की लीकेज बहुत होती है हर जगह पे। मैं कहीं देखती हूँ कहीं लीक हो रहा होता है, कुछ हो रहा होता है, तो उनको सेव करना चाहिए। और साथ में जो प्रेशर की वजह से जो पानी रुक जाता है वो वापस ये सप्लाई होती है, तो ये पानी गंदा होता है। तो इनको ध्यान देना चाहिए कि जो ये पानी सप्लाई होगा लोग बीमार हो जाएंगे इसको पीकर, इतनी सारी बीमारियाँ फैलेगी। तो इन्हें थोड़ी बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना। रोड में पाइप फटी हुई है और लोगों को पानी मिलता नहीं है। इधर देखो तो इतना पानी बह रहा है क्योंकि लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता है। पानी की इतनी समस्या आती है गर्मियों में, तो इधर देखो पाइपें फटी हुई है। आरएसपुरा जम्मू मार्ग पर बलोल नाले पर बना दूसरा पुल मरम्मत न होने के कारण पिछले 10 वर्षों से यातायात के लिए बंद पड़ा है। ये पुल बंद रहने से स्थानीय लोगों में भारी रोष है। लोगों के मुताबिक इस पुल के बंद होने से दूसरे पुल पर यातायात का भारी दबाव रहता है, जिसके कारण आए दिन यहां हादसे पेश आते हैं। लोगों ने सरकार से जल्द पुराने पुल की मरम्मत करने और यहां से यातायात बहाल करने की मांग रखी है। तो जम्मू कश्मीर के इस हिंदी बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।